कोरोना के बढ़ते संक्रमण से हरियाणा में ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी कमी से अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीज लगातार जूझ भी रहे हैं। लेकिन इसी दौरान हरियाणा के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ओडिशा से करीब 160 टन ऑक्सीजन लेकर फरीदाबाद पहुंची। ट्रेन के यहां पहुंचने पर लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि फिलहाल इन सभी कंटेनर ट्रकों को गुरुग्राम भेजा जा रहा है, जहां पर लगातार पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है। ये जानकारी देते हुए रेलवे की एरिया ऑफिसर भावना जैन ने बताया कि हरियाणा के लिए ऑक्सीजन मांगने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि उड़ीसा से 2 टन ऑक्सीजन लेकर पहुंची। पहली ट्रेन उड़ीसा के अंगुल से और दूसरी ट्रेन राउरकेला से आई। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने रेलवे से ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए संपर्क किया था, जिसके तहत ये ऑक्सीजन ट्रेन के द्वारा उड़ीसा से मंगाई गई। साथ ही उन्होंने बताया कि भविष्य में भी हरियाणा सरकार की ओर से ऑक्सीजन मंगाने की योजना को नियमित रूप से रेलवे द्वारा पूरा किया जाएगा। तो बेसिकली 2 रेक आए हैं, 3 टैंकर जो हैं राउरकेला से आए हैं और 2 टैंकर जो हैं अंगुल से आए हैं। जो राउरकेला वाले 3 टैंकर हैं उसमें 60.11 टन ऑक्सीजन हमने ट्रांसपोर्ट की है, और जो अंगुल से आए हैं उसमें हमने 47.11 टन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया। वी न्यूज़ के लिए मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।